निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जी हाँ दोस्तों, एक निंदक, एक क्रिटिक जो आपके पास रहता है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताता है, आपकी वीकनेसेस बताता है और आपको बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज विनीत पांडे एंड माय टुडेज टॉपिक इज क्रिटिसिज्म। गाइज, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म, मैं एक चीज पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दैट आई एम रिकॉर्डिंग ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स इन हिंदी एंड एज वेल एज वी आर गेटिंग criticism also, and there are some kind of constructive criticism, some kind of destructive criticism. हमें ये comment मिल रहे हैं कि जो मैंने कल comment पढ़ा था, एक somebody wrote कि अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी का नेट कैसे कर लिया। दोस्तों, पहली बात तो ये तो एकदम आप ध्यान में रखिएगा कि you do not need to speak English to qualify literature, especially related to English. Yes, you must understand language, you must know all those vocab words. आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन ये कोई बैरियर नहीं है दोस्तों। जब मैंने गांव से स्टार्ट किया था पढ़ना और जब मैंने फर्स्ट नेट क्वालिफाई किया था, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। मुझे इंग्लिश बोलना सीखना पड़ा, या मैंने जो कोशिश की वो इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग में पढ़ाने का मौका मिला। पहली बार वहाँ टीचर जो थे अमिता सिन्हा मैम, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया एंड शी सेड, विनीत आई मस्ट टेल यू, दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टीचिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया इंग्लिश बोलना सीखना एंड ऑल। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, वो लोग जो गांव में पढ़ते हैं, वो लोग जो सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजेस में जाते हैं, वो लोग जो गांव के अंदर भी सिंपल ट्यूशंस एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो लोग जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग का कोई एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, क्या वो लोग नेट के लिए एलिजिबल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वो भी एलिजिबल है, वो ही हमारे भाई बहन है, और उन्हें भी मौका मिलेगा तो उनमें से कोई भी विनीत पांडे बन सकता है। अगर आपको याद होगा तो थॉमस ग्रे ने अपनी बेस्ट एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में कहा था कि इन द ग्रेव द पुअर फोर फादर्स ऑफ हैमलेट आर लाइंग, दे वर नेवर फेवर्ड बाय चांस। उन्होंने बोला कि जो ग्रेव में ये जो किसान लोग हैं, पुअर फार्मर्स हैं, पुअर जो विलेजर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला कुछ करने का, अदरवाइज ये मिल्टन बन सकते थे, ये क्रॉमवेल बन सकते थे। तो द सेम थिंग इज हियर, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है एंड ऑलवेज गो फॉर द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म विच कैन मेक मी डू बेटर। सो गाइज, आप में से बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म पढ़ने की कोशिश की है, बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म की बुक्स खरीदी हैं, और बहुत से लोग एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्रिटिसिज्म पढ़ा दीजिए, गाइड कर दीजिए। आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिटिसिज्म इज वेरी सिंपल टॉपिक, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टॉपिक्स दैट आई हैव गॉन थ्रू। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ऑल दोज राइटर्स, दे हैव अ चेन, अ सेट पैटर्न, एंड मेनी ऑफ देम दे बिलीव इन सम बेसिक थिंग। दोस्तों, क्रिटिसिज्म के राइटर्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म। पहले जब क्लासिकल क्रिटिसिज्म की आप बात करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्रिटिक्स क्या कहते थे और अकॉर्डिंग टू देम क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसिज्म इज सिंपली एनालाइजिंग अ पीस ऑफ वर्क विद डीलिंग विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स विद नो अजम्पशंस, नो प्रीकंसीव्ड नोशंस एंड नो बायसनेस। दोस्तों, क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जहां पे आप किसी भी पीस ऑफ आर्ट, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्रॉइंग हो, कुछ भी एक आर्ट को आप उसकी मेरिट्स, अच्छी क्वालिटीज एंड डीमेरिट्स, बुरी क्वालिटीज के बेस पे आप एनालाइज करते हैं, जहां पे आपने पहले से कोई पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा नहीं बनाई है, प्लस आप बायस नहीं है, आप किसी भी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ आपका झुकाव नहीं है। सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। हाउ इट इज डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स। क्लासिकल क्रिटिसिज्म का सबसे बेसिक थीम है इमिटेशन। हमेशा से एक ही बात आ रही है, चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, होरेस हो, या उसके बाद जो राइटर्स आएंगे, बेन जॉनसन, ड्राइडन, पोप, इलियट, आर्नोल्ड, ये सब एक ही बात करेंगे दोस्तों, दैट क्रिटिसिज्म हैज अ बेस इन इमिटेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइमेसिस बाय प्लेटो। सो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि क्लासिकल क्रिटिसिज्म के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल सा एक काम करना है आपको, पेन एंड पेपर अभी लिखिए आप, दैट क्लासिकल क्रिटिसिज्म इज एक्चुअली डीलिंग विद थ्री मेजर पॉइंट्स। नंबर वन, ग्रेट थॉट्स। नंबर टू, ग्रेट इमोशन। नंबर थ्री, ग्रेट एक्सप्रेशन। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें सब लोग वन बाय वन फॉलो करेंगे, वो सिर्फ उनको अपनी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे, अदरवाइज दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी कॉमन थीम एंड द they are very same। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो की है वो ये है
कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आ जाएगा क्रिटिसिज्म पढ़ना कैसे है। जब हम रोमांटिक क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो है वो वैसे लॉन्जाइनस के साथ स्टार्ट होता है। लॉन्जाइनस द राइटर ऑफ ऑन द सबलाइम, जिसे फर्स्ट ट्रू रोमांटिक क्रिटिक कहा जाता है, फर्स्ट ट्रू रोमांटिक क्रिटिक, और ये आर ए स्कॉट जेम्स ने कहा था। दोस्तों कहते हैं कि लॉन्जाइनस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि क्रिटिक कोई भी बन सकता है, और उसके लिए आपके अंदर कुछ चीजें हैं वो इनबोर्न क्वालिटी हैं, वो गिफ्ट होती हैं। जबकि प्लेटो एंड अदर्स दे बिलीव दैट हर चीज कॉपी है, आप हर चीज कॉपी करके ही सीखेंगे, उसके बिना आप नहीं सीख सकते। वर्ड्सवर्थ के पास जब क्रिटिसिज्म आया, Wordsworth was not a critic. He was not a critic by heart, by nature. He was not a professed critic actually. Wordsworth एक साधारण आदमी था जिसने एक simple collection of poetry लिखा अपने दो scholars के साथ plan करके। दोनों ने मिलके 1798 में lyrical ballads लिखा, जहाँ पे 23 कविताएं थी, 23 poems थी, जिनमें से 4 Coleridge की थी, 19 Wordsworth की थी। और आपको ये भी questions पूछे जाते हैं exam में कि उनमें से उस collection में first poetry कौन सी है। First है Rime of Ancient Mariner by S.T. Coleridge. Last है टिंटन एबे। उसका उद्देश्य था एक ऐसा कलेक्शन लाना जो नियो क्लासिकल आर्टिफिशियल जो लिटरेचर था उसे रोक दे। जी हाँ दोस्तों, नियो क्लासिकल को आर्टिफिशियल लिटरेचर चार्ल्स लैम ने बोला है, जो सेकंड राजस्थान सेट का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे क्या किया उन्होंने, जब ये बुक पब्लिश की तो क्रिटिक्स ने उनको बहुत ज्यादा यू नो टारगेट किया और बोला कि आप तो इमिटेशन नहीं कर रहे हो, आपका तो कोई ग्रेट स्टैंडर्ड नहीं है, ग्रेट थॉट नहीं है, तो यू आर नॉट अ ग्रेट राइटर। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने जवाब दिया। वर्ड्सवर्थ का जो जवाब था दोस्तों वो इतना अच्छा था नहीं। वर्ड्सवर्थ ने कुछ रूल्स जरूर बोले लेकिन वो अपने रूल्स को डिफेंड नहीं कर पाया। जैसे उसने कहा कि पोइट्री इज द शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लेकिन कॉमन मैन की लैंग्वेज कौन सी है ये तो कोई जानता ही नहीं है। क्या आप बोल सकते हो कि इंग्लिश है तो कॉमन मैन नहीं है? कुछ लोगों के लिए इंग्लिश भी कॉमन मैन की लैंग्वेज है, कुछ लोगों के लिए हिंदी है, कुछ के लिए हरियाणवी है। देन ही सेड दैट पोइट्री शुड नॉट हैव एनी डिफरेंट राइमिंग एंड डिफरेंट यू नो स्ट्रक्चर। ही सेड दैट इट इज ओनली मीटर, सिर्फ मीटर का डिफरेंस होता है, बाकी सब कॉमन होता है। अगर आप प्रोज और पोइट्री को एक जैसा लिखेंगे तो देर विल बी नो डिफरेंस। ये जो तरीके थे, या जैसे कॉलरिज ने क्या किया, इमेजिनेशन फैंसी इनको मिक्सअप किया एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट इमेजिनेशन इज मोर कंस्ट्रक्टिव। ये वो लोग थे जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म से अलग थे। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये वो लोग थे जो रूल्स से रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। क्लासिकल्स का रूल्स था कि आप किसी भी हाल में राइटिंग स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यू शुड ऑलवेज हैव अ ग्रेट स्टाइल, अ ग्रेट पैटर्न, आपके पास ग्रेट डिक्शन होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इन्होंने थ्योरी बताई कि अगर आपके पास ग्रेट डिक्शन नहीं है तो हाउ कैन यू गेट द ग्रेट डिक्शन, आपको कलेक्शन सेलेक्शन अरेंजमेंट पे काम करना पड़ेगा वर्ड्स के लिए। फिर उन्होंने बोला कि आपको ग्रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए, द वे यू टॉक, होमरिक सिमिलीज हैं, ये सब होना चाहिए, ग्रेट थॉट्स, बड़ी चीज़ों पे बात करनी है, मॉरल चीज़ों पे बात करनी है, ऐसी चीज़ों पे बात करनी है जो वर्ल्डली एक यूनिवर्सल सेंस में एप्लीकेबल हो। तो दोस्तों ये जो सेंस था ये रोमांटिक सेंस के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता गया, और ग्रेजुअली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं आंसर करने वाला हूँ। कभी भी अगर आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए कि पिक द राइटर जिसने बोला इमिटेशन की जरूरत नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी राइटर, इवन द रोमांटिक राइटर्स बिलीव दैट देयर इज द नीड ऑफ इमिटेशन। जी हाँ दोस्तों, अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम यहाँ पे कुछ वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो और लोगों ने आपको या तो कंफ्यूजन में डाल के दिए हैं या आपको क्लियरली नहीं बताया है। नंबर वन, एरिस्टोटेलियन आइडियल ट्रेजिक हीरो। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये माइनर एग्जाम्स में DSSB या TJT PGT में भी आता है, और नेट का तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एरिस्टोटेलियन आइडियल ट्रेजिक हीरो, एक आइडियल ट्रेजिडी का हीरो कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज, एक आइडियल ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियर या एरिस्टोटेलियन स्टाइल, जो कि शेक्सपियर ने कॉपी किया एक्चुअली, वन की फिगर होगा, वन मैन स्टोरी। वन मैन स्टोरी मीन्स पूरी स्टोरी सिर्फ उसे कैरेक्टर के आगे पीछे ही घूमेगी, जैसे मैकबेथ है। तो शुरुआत की लाइन से लेकर के लास्ट की लाइन तक इट्स ऑल अबाउट मैकबेथ। जैसे हैमलेट है, हैमलेट की पूरी स्टोरी हैमलेट के चारों तरफ घूमती है। जैसे किंग लियर है, किंग लियर की चारों जो स्टोरी है इट्स ऑल अबाउट किंग लियर, देन जूलियस सीजर, या देन वी हैव डॉक्टर फॉस्टर्स। तो डॉक्टर फॉस्टर्स जब क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है तो फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन वी जस्ट हैव डॉक्टर फॉस्टर्स ओनली। कहने का मतलब ये है कि वन मैन स्टोरी होगी। अब जो वन मैन है वो कौन होगा? हमेशा उसका हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जी हाँ, एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी एरिस्टोटल ने, जो कि ट्रांसलेटेड वर्जन में है, हायर द स्टेट ग्रेटर द फॉल दैट फॉलोज। जो जितना ऊंचा होगा वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका आइडियल ट्रेजिक हीरो है, या तो वो किंग होगा, या वो कमांडर होगा, या वो प्रिंस होगा, या कुछ ना कुछ जनरल होगा, जैसे मैकबेथ था जनरल या ओथेलो जनरल था। दोस्तों इसके अलावा
आपका जो कैरेक्टर जो आएगा ट्रेजिक हीरो, ही शुड ऑलवेज हैव हमर्शिया। जी हाँ दोस्तों, एच ए एम ए आर टी आई ए, हमर्शिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन क्रिटिसिज्म। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है हमर्शिया क्या है। सो हमर्शिया एक वर्चू है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हमर्शिया इज एक्चुअली अ वर्चू। अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट अ डीमेरिट। डीमेरिट नहीं है आपकी वो क्वालिटी जो ह्यूमन वर्चू है। ह्यूमन वर्चू मीन्स विच इज कॉमन इन ऑल, लाइक the ambition, the jealousy, feeling to be loved, feeling to be flattered, ये हम सब में common है दोस्तों, हम सब चाहते हैं ऐसा हो। ये virtue या तो जरूरत से ज़्यादा हो आपके अंदर, a virtue in excess, या कोई ऐसा reason जहाँ पे आप judgment ना कर पाएं किसी particular step पे, error of judgment भी कहते हैं जी इसको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि उसके साथ हमर्शिया होना चाहिए। जैसे for example हम मैकबेथ की बात करेंगे, मैकबेथ जब लड़ाई जीत के वापस आता है तो ही is welcomed by the witches and witches they welcome him। Macbeth ko witches welcome karti hai, bolti hai welcome Thane of Cawdor, welcome Thane of Glamis। Macbeth bolta hai ki na to main Thane of Cawdor hu ya na main koi Thane of Glamis hu, aap mujhe aisa welcome kyun kar rahe ho। And then she says nahi nahi, you will be king, aap king hoge aur aapka dost king banega aage chal ke, uske bacche king banenge Banquo ke। पहली बार मैकबेथ के अंदर एक एम्बिशन आता है कि अब हम कुछ कर सकते हैं। हम ऑल सब एम्बिशियस हैं, आप नेट पढ़ना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, आप एम्बिशियस हो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मेरी एम्बिशन है कि मैं बच्चों को बहुत टॉप क्वालिटीज दे सकूँ, कम अच्छे वर्ड्स में और सिंपल तरीके में। हम सब एम्बिशियस हैं, मैकबेथ भी एम्बिशियस हो गया और उस एम्बिशन में उसने क्या किया, अपने किंग को मार दिया, जो कि हाई एम्बिशन हो गई। हमर्शिया है। डॉक्टर फॉस्टस पढ़ना चाहता था, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता था और पढ़ते पढ़ते उसने ब्लैक मैजिक पढ़ा। ब्लैक मैजिक पढ़ के उसने डेविल को बुला लिया, लूसीफर को बुला लिया, मेफिस्टोफेलीस को बुला लिया। हाईली एम्बिशियस अथेलो। अथेलो को सिर्फ इतना डाउट हुआ कि उसकी वाइफ डेस्डिमोना का अफेयर है किसी के साथ और उसने इतनी सी बात पे अपनी वाइफ को मार दिया। दोस्तों पॉजिटिवनेस इज गुड इन लव एट सर्टेन लेवल, बस अथेलो का पॉजिटिवनेस को ज्यादा हो गया एंड विच रिजल्टेड इन अ ट्रेजेडी। यहाँ पे सब के सब मेरिट्स हैं। किंग लियर अपनी तारीफ सुनना चाहता था, ही वॉन्टेड कि उसकी डॉटर उसको फ्लैटर करे, बोले कि फादर इट इज यू हु हैज गिवन अस द लाइफ। लेकिन किंग लियर के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसकी थर्ड डॉटर कॉर्डेलिया ने उसे ट्रुथ बता दिया दैट फादर आई लव यू एज मच अ गर्ल इज सपोज टू लव हर फादर, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। सो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये वो मेरिट्स हैं, वो क्वालिटीज हैं, वो ह्यूमन वर्च्यू हैं जो हमसे कहीं ना कहीं कुछ एरर्स करवा देती हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके कैरेक्टर में आनी चाहिए, जो आइडियल ट्रेजिक हीरो में है, वो है अप्रोप्रिएटनेस और एप्टनेस। योर कैरेक्टर मस्ट मैच द स्टैंडर्ड ऑफ ए कैरेक्टर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट दिस पॉइंट is related to dramatic performance, because the worst case of Indian education in India is that you read Othello, you read Macbeth, you read Hamlet, but these are not the closed drama, these are the dramas that should be performed। ये वो drama है जिनको performance होना चाहिए। तो वर्ड यहाँ पे क्या है कि आपका जो कैरेक्टर जो आइडियल ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो आपका हीरो है, वो एप्ट होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रोल के लिए फिट होना चाहिए। दोस्तों आपने किंग अकबर का नाम सुना होगा, अभी न्यूज में भी था कि किसी रोड का नाम अकबर रोड का नाम बदल के महाराणा प्रताप रोड कर दिया है। तो आप ही बताइए कि जब आप अकबर नाम सुनते हैं, किंग अकबर, पृथ्वीराज जो कपूर ने रोल प्ले किया था, पृथ्वीराज कपूर ने, आपको फर्स्ट इमेज पृथ्वीराज कपूर का दिमाग में आता है, द वेरी मैजेस्टिक टोन, यू नो व्हाई, बिकॉज अकबर वाज अ किंग having that majestical standard, having that magnificence in his, you know, appearance, and this was the reason that a heavy man with heavy mustache and with a very heavy voice, he represented King Akbar. Imagine if the role of Bhim in Mahabharat is played by Rajpal Yadav. Can you just relate it? No. So aptness is that you pick the character to play the particular role and they should have the matchness. If somebody is playing the role of Hercules or Achilles, they always should must look muscular. So these are the points. The next thing that I am going to talk about is transportation theory or sublime theory. Friends, transportation theory or sublime theory is that Longinus in his famous work on the sublime said that a book which makes you transported from your world to writer's world, ek aisi kitab jo aapko aapki duniya se writer ki duniya mein le jaye aur wo permanent transformation ho, wo बुक सबलाइम कहलाती है। ऐसी ही बुक बेस्ट होती है और सबलाइम बुक्स को आपको लिखने का तरीका बताया। देयर आर फाइव वेज टू राइट सबलाइम बुक्स।
greatness of thought, greatness of emotions, use of figures, nobility of diction and elevated composition. आपकी thoughts बहुत great होनी चाहिए, आपके emotions great होने चाहिए ऐसी book लिखने के लिए, आपको use of literary devices आना चाहिए, आपको knowledge होना चाहिए लिखना कैसे है, आपके पास nobility of diction होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे words आने चाहिए और आपके पास elevated composition होना चाहिए, आपको पांचों use करना आना चाहिए, जिसके साथ आप एक अच्छी book लिख सकते हैं और वो आपको transport कर सकती है। इसके बाद दोस्तों हम concept बात करेंगे हॉरेस की। हॉरेस ने कहा था कि पोएट्स के पास एक लाइसेंस होता है टू कॉइन द न्यू वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद है तो पीबी शैली ने एक बात बोली थी बहुत पहले। वंस पीबी शैली सेड दैट पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, द सेम थिंग इज रिलेटेड टू हॉरेस हियर। हॉरेस सेज दैट पोएट्स हैव लाइसेंस टू कॉइन न्यू वर्ड्स इफ दे हैव नो न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर फीलिंग। दोस्तों आप हैप्पी वर्ड कैसे यूज करते हैं? आप मान लीजिए आपने एग्जाम को प्रिपेयर नहीं किया, आप नेट में एकदम प्रिपेयर नहीं है, लेकिन आप नेट पास हो गए और जस्ट पासिंग परसेंटेज पे पास हुए, 50% पे पास हुए आप हो गए, एंड यू नो कि पता नहीं कैसे पास हुए, आप खुश हैं, हैप्पी, लेकिन देन यू गेट टू नो कि आपका 58% है, यू आर हैप्पी, आपका 65% है, यू आर अगेन हैप्पी, आपका 75% है, JRF है आपका, अगेन हैप्पी, एंड आपने नेट टॉप किया है, अगेन हैप्पी। क्या वो सारी फीलिंग्स कैन वी जस्ट रिलेटेड टू वन वर्ड? नो। सो यू नीड द वर्ड एक्सटेसी, देन यू नीड द वर्ड रैप्चर, देन यू नीड द वर्ड गोइंग गाला, गोइंग मैड, एंड यू नो काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग्स। सो दिस इज द रीजन दैट हॉरेस सेड दैट पोएट्स कैन कॉइन न्यू वर्ड्स। एंड रिमेंबर दिस थिंग फ्रेंड, दैट शेक्सपियर अलोन कॉइन 100+ वर्ड्स, ब्लाइंड फेथ, लव, लव ट्राइंगल, द वर्ड प्रोस्टिट्यूट, द वर्ड इवजड्रॉपिंग, these kind of concepts, a lot of words were coined, and Elizabethan they gave a lot of new words. There is a famous line by a great writer who said, as metaphysicals, as Elizabethans had played with words, metaphysicals played with thoughts. It's by Walter Scott. After this we talk about the next point, purple patch, Horatian concept, purple patch. What is this? Purple patch is a paragraph which is excessively filled with lots of literary devices. Dosto ek aisa paragraph jisme aapne zaroor se zyada literary devices dal ke us paragraph ko gaudi bana diya hai, bhadda bana diya hai, use purple patch kaha jata hai. Aur ye net ke questions hain, inhe bhulna nahi hai aapko kisi bhi hal mein. Iske baad hum baat karte hain ki aur jo writers hain unhone kaun kaun se concept diye hain, aur yahan pe hum baat karenge जॉन कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज वेरी सिंपल दोस्तों। जब आप एक बात आइए कि आप अगर जज हैं, आप चीफ जस्टिस हैं और आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, तो क्या वो डिसीजन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आप को इन्वॉल्व करके लेंगे, या आप उस मैटर से अपने आप को दूर करेंगे? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक लेडी अपने बच्चे को महात्मा बुद्ध के पास लेके गई, गौतम बुद्ध के पास। शी सेड कि मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है, आप इनसे मिठाई छुड़वा दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप एक महीने के बाद आइएगा। एक महीने के बाद गौतम बुद्ध वो मिले एक दूसरे से, और वहां पर यह हुआ कि गौतम बुद्ध ने उनको समझाया कि आप मिठाई मत खाइए, आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, वो मत कीजिए, और बच्चा मान गया। तो लेडी ने बोला कि इतना ही मैसेज तो आप एक महीने पहले भी बोल सकते थे, आपने एक महीने बाद क्यों बोला? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं पहले खुद बहुत मिठाई खाता था, वो हैबिट मैंने छोड़ी ताकि जब मैं कुछ कन्वे करूं, मेरे पर्सनल इमोशंस इन्वॉल्व ना हो उसमें। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज व्हेन अ पोएट राइट्स समथिंग, ही ब्लॉक्स आउट हिज इमोशंस, ही डज नॉट मेक्स हिज आइडेंटिटी। जब एक राइटर बुक लिखता है दोस्तों, तो वो वर्ल्ड फिगर बन जाता है, यूनिवर्सल फिगर बन जाता है, और उसको अपने इमोशंस कभी मिक्सअप नहीं करने चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, अपना चॉइस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे आपको कि मैगी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और मैगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको मैगी बहुत पसंद है, और आपने कहा नो, इट मींस ये बायस्ड जजमेंट है। राइटर एक गॉड से कंपेयर होता है और राइटर को अपने इमोशंस एकदम ब्लॉक करने पड़ते हैं। दोस्तों सेम चीज टीएस एलियट ने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में कही है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो है टचस्टोन मेथड बाय मैथ्यू आर्नल्ड। दोस्तों एक चीज सोचिए, जब आप कभी YouTube पे वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्या आप जस्ट वीडियो देखते हैं और एक ही बार में सब समझ जाते हैं, या आप पॉज करते हैं, चीजें लिखते हैं, पॉज करते हैं, लिखते हैं और कंपेयर करते हैं? दोस्तों आपको जो टचस्टोन मेथड कहना चाहता है वो ये है, दैट यू मस्ट गो फॉर अ बेटर कंपेरिजन। आप कंपेयर कर करके लिखिए, आप जितना ज्यादा कंपेयर करेंगे और रिफॉर्म करेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। आप कभी एक चीज सोचिएगा कि जब विनीत पांडे वीडियो
लेक्चर रिकॉर्ड करता है उसके पास बहुत सारे रेफरेंसेज होते हैं, वो बात करते करते बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्सअप करता है, वो कैसे की हैं। सो जब आप पढ़ेंगे, रिमेंबर दिस थिंग कि क्या आपने 10% पढ़ा, 10% कम्युनिकेट किया? नो दोस्तों, एक टीचर का काम होता है 100% पढ़ना, उसे मिक्सअप करके वो 10% बनाना जो कोई और ना बना सके। सो लगातार आप कंपेयर कीजिए अपनी स्टडीज को बेस्ट टीचर से और आप अपने आप को रिफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। दोस्तों जी हां, टीएस एलियट्स कांसेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एंड हियर लेट मी मेक माय सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। दोस्तों एकदम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म वॉशिंगटन एल्स्टन ने कॉइन किया है, उत्तराखंड सेट सेकंड एग्जाम में क्वेश्चन था ये, फर्स्ट उत्तराखंड सेट में मैंने गलत किया था, मैंने टीएस एलियट आंसर कर दिया था जल्दबाजी में, एंड देन आई रियलाइज्ड कि टीएस एलियट ने सिर्फ इस थ्योरी को बहुत एक्सप्लेन किया है, प्रोपाउंड किया है, बट टीएस एलियट इज नॉट द राइटर हु कॉइन इट। इट वाज कॉइन्ड बाय वॉशिंगटन एल्स्टन, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सबसे पहले पेंटिंग्स में यूज हुआ था, ड्रॉइंग में यूज हुआ था। दोस्तों क्या आप जब कुछ आप इमोशंस के अंदर होते हैं तो क्या आपको नेचर का एग्जिस्टेंस उन इमोशंस को इंक्रीज या डिक्रीज करवाता है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोटैगनिस्ट, हीरो के मन में आने वाले या हीरोइन के मन में आने वाले वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिन्हें हम नेचर के साथ रिलेट करते हैं, नेचुरल एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। दोस्तों जब किंग लियर को उसकी बेटी धोखा दे देती है, गोनरिल और रीगन, और किंगर बहुत फ्रस्ट्रेट होके मैडनेस में महल से बाहर भाग जाता है, तो वो जो मैडनेस है वो रिजल्ट है क्योंकि ही इज बीन चीटेड बाय हिज ओन डॉटर्स, और वो बाहर भागता है इन द वर्स्ट कंडीशन। ऑडियंस सिंपैथी दे रही है उसको, किंग को, क्योंकि किंग लियर इज अ मैड ओल्ड डिस्पाइज्ड किंग, बेचारा बाहर भाग गया है, और बाहर का मौसम कैसा है, तूफान आ रहा है, वो तूफान दो मीनिंग दे रहा है। किंग लियर बिकम्स हैप्पी, उसको रिलैक्सेशन मिलता है कि यू आर नॉट अलोन हु इज ट्रबल्ड, इट इज द वेदर ऑल्सो। और ऑडियंस को क्या लगता है कि हमारा हीरो बेचारा सिंपैथी देनी है उसको, और वो बाहर भाग गया है, और उसको बहुत ज्यादा नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी उस चीज को बढ़ा रहे हैं। इन शॉर्ट द इनर फीलिंग्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट आर मर्ज्ड विद द आउटर एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर टू एनहेंस द स्किल्स, टू एनहेंस द इमोशंस। दोस्तों और आसान बनाते हैं, क्या आपने 1980s और 1990s के अंदर मूवी देखी है? ऐसी मूवी जहां पे ओपनिंग सीन में जो हीरो है वो छोटा बच्चा होता है, और मदर जो होती है वो डेथ बेड पे होती है, कुछ अमिताभ बच्चन टाइप, ऋषि कपूर टाइप, आपको याद होगा, आपने देखा होगा। तो वो बच्चा क्या बोलता है कि माँ तू मर मत, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। और जब वो बच्चा रात को 10 बजे दवाई लेने निकलता है तो इट्स वेरी यू नो हैवी रेन फॉल, बड़ा तेज हवा चल रही है, रोड्स खाली हैं, बहुत क्लाउड्स आ रहे हैं, और बहुत तेज बिजली कड़क रही है, एंड ऑडियंस रो रही है। वाई? अरे एक तो बेचारे की मम्मी डेथ बेड पे है, ऊपर से बेचारा रात को बाहर जा रहा है, इतना कुछ मिल नहीं रहा है, सो यू नो उसकी पेन एंड सफरिंग को नेचर के जो टॉर्चर से रिलेट करवा के दे मेड यू फील मोर इन्वॉल्व इन द स्टोरी। गाइज आपने जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स देखे हैं क्या उनका बैकग्राउंड आपको कभी ऐसा मिला है कि हीरो हीरोइन बहुत हैप्पी सॉन्ग में गाना गा रहे हैं, और तुझे देखा तो ये जाना सम टाइप का, और पीछे ट्रक में लोग कचरा वचरा उठा रहे हैं, पीछे बैगर्स भीख मांग रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि हीरो हीरोइन दे आर इन लव एंड टॉकिंग अबाउट द हैप्पी सॉन्ग, अच्छा अच्छा गाना गा रहे हैं, और बाहर बहुत धूप लग रही है, लोग पसीने पोंछ रहे हैं पीछे? नो। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ हैप्पी सॉन्ग। हैप्पी सॉन्ग मींस हैप्पी नेचर। आपको मीडोज दिखाएंगे, आपको समुद्र दिखाएंगे, आपको बर्फ दिखाएंगे, आपको पॉपुलेशन नहीं दिखाएंगे, क्राउड नहीं दिखाएंगे, आपको ट्रबलिंग चीजें नहीं दिखाएंगे। दैट्स अगेन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आपने एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग देखा होगा, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। पहली तारीख पे जमाना खुश क्यों होता है? तारीख तो कोर्ट की भी होती है, वो सिंबॉलिक है, सिमियोटिक्स का स्ट्रक्चर है। खुश है जमाना आज पहली तारीख है बिकॉज यू गॉट द सैलरी, आपने सैलरी ली है, आप खुश हैं बिकॉज अब आपको वर्ल्ड अच्छा दिख रहा है। अभी आप सोचिए, एक आदमी को सैलरी मिलती है 10,000, और सैलरी उसके हाथ में आने के बाद बाहर बारिश होती है और वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरे आदमी को सैलरी मिलती है 10,000 और वो बाहर ऑफिस से जाना चाहता है, बहुत धूप है, बहुत तेज चिलिंग हॉट धूप है, दोनों में बेटर कौन सा है? जो द प्लेजेंट वेदर वाला। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। लिटरेचर के एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो दोस्तों टेनिसन का ब्रेक 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 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। हीरो समुद्र के किनारे खड़ा है और वो देख रहा है लहरों को कि लहरें अपने आप को पटक रही हैं। वो कहता है यस ब्रेक द स्टोन्स, ब्रेक दीज रॉक्स, शो योर एंगर बिकॉज आई एम एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूं। तो उसका जो गुस्सा है, हीरो का गुस्सा, वो लहरों के गुस्से से रिलेट हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और अब दोस्तों बात करते हैं एसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीएस एलियट स्टडीड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज फेमस एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वेयर हैज सेड दैट हैमलेट इज आर्टिस्टिक फेलियर बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. मैकबेथ जब किंग को मारना चाहता है, ही इज कंफ्यूज कि मैं किंग को मारूं या ना मारूं, तो उसको डैगर रास्ते में डैगर लटकती हुई दिखाई देती है, एक तलवार दिखाई देती है. हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन वो क्रिएटेड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, यहां नेचर नहीं है. लेकिन हीरो के मन की बात कैसे दिखाई गई है, हीरो के मन की बात दिखाई गई है उस तलवार से जिसे वो लगता है कि वो पकड़ने की कोशिश करे, मीन्स कंफ्यूज स्टेट. हैमलेट में हैमलेट का कंफ्यूजन या हैमलेट का पागल होने की एक्टिंग करना, प्रिटेंशन करना, इसका कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है. और थैलो का जो मन में डाउट रहता है कि मैं ब्लैक हूँ, मेरी जो वाइफ है वो वाइट गर्ल है, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ बीइंग ब्लैक, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे रिलेट होता है, उस रुमाल से, उस हैंकरचीफ से. लेकिन क्या हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैं? किंग लियर में स्टॉर्म सीन है लेकिन हैमलेट में एक भी नहीं है. हालांकि कहते हैं कि हैमलेट का फिलोसॉफिकल सीन जहाँ पे वो एक जो स्कल है, हमारा हेड है, वो कब्रिस्तान में होता है और हेड उठा के ऐसे देखता है इस तरीके से, वो जो सीन है वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है नहीं, वो प्रॉपर्ली नैरेटेड नहीं है. इसीलिए हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला जाता है ऑन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव यू नो कोरिलेटिव. इसके बाद एक टर्म आती है पैथेटिक फैलेसी, अ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन. इसके बारे में सिर्फ मुझे इतना कहना है कि जो चीज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव करती है वही पैथेटिक फैलेसी बोलती है. बस फर्क इतना है, पैथेटिक फैलेसी सिर्फ और सिर्फ ट्रेजिडी की बात करती है, जबकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में कॉमेडी, लव सीन, हैप्पी सीन ये भी होते हैं. दोस्तों इसके अलावा बहुत कुछ है क्रिटिसिज्म में, थ्योरीज में, मैं अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें नहीं समअप कर पाऊंगा. दोस्तों एक चीज़ और आपसे बताना चाहते थे हम, दैट हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है डबल जे आर एफ सीरीज. दोस्तों डबल जे आर एफ सीरीज बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरा फर्स्ट जे आर एफ लेने में, सेकेंड जे आर एफ लेने में और लगातार नेट क्वालिफाई करने में. इन शॉर्ट जो पेपर थर्ड के टॉपिक्स थे, जो अपर लेवल टॉपिक्स थे, रेयर बुक्स थी जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नेट पेपर को टफ बनाती हैं, ये सारे लेक्चर्स वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. देन वी हैव अनदर सेक्शन फॉर पोइट्रीज, हमने एक सेक्शन पोइट्री के लिए स्टार्ट किया है जहाँ पे हम आपको टफ पोइट्रीज पढ़ाएंगे. फिर आपको जनरलाइज नॉलेज और रेगुलर गाइडेंस वीडियोज मिलने वाले हैं जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक्स को कैसे पढ़ा जाए, कौन कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपको हिंदी जो वीडियोज मिल रहे हैं वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इंग्लिश में वीक हैं या फिर किसी छोटे मोटे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ. तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज रिक्वायर्ड है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको मेरे वीडियो से 1% भी बेनिफिट हुआ हो, दोस्तों इट विल टेक जस्ट 1 मिनट, राइट अ कमेंट, आप हमें बताइए कि हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं और हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स बताइए, आप किस टॉपिक पे जाना चाहते हैं. हम मेजर टॉपिक्स ही पिक करेंगे जो आपको चाहिए बिकॉज हमें पता है, आई नो कि नेट के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं मेरी लर्निंग कम तो नहीं है. अलॉन्ग विद दिस थिंग फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर 8587035827. थैंक यू सो मच, दिस इज विनीत पांडे.